नमस्कार दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। वे 73 साल के थे। 2019 में शेख खलीफा चौथी बार 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने गए थे। यूएई की सुप्रीम काउंसिल ने उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुना था। शेख खलीफा ने 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। शेख खलीफा को अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख खलीफा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। शेख खलीफा के निधन पर यूएई में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। यूएई में 40 दिन का राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। इस दौरान झंडा आधा झुका रहेगा। आपको बता दें कि शेख खलीफा का साल 1948 में जन्म हुआ था। वे संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे। शेख खलीफा अपने पिता शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। शेख ने राष्ट्रपति बनने के बाद संघीय सरकार और अबू धाबी सरकार का पुनर्गठन किया था। आप लोगों का क्या कहना है उनके निधन पर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं बता दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।